शिवसेना सेन और ललित मोदी के रिलेशनशिप ने नेशन को स्ट्रॉन्ग में डाल दिया था। भाई हर तरफ इस रिलेशनशिप की चर्चा हो रही थी, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में एक नया मोड़ आ गया है, क्या ये दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, क्या इनका ब्रेकअप हो गया है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूँ ज्योति नाहक। हम सभी जानते हैं कि जब भी सेलिब्रिटीज अपने रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं तो फैंस काफी ज्यादा हैरान और एक्साइटेड एट द सेम टाइम हो जाते हैं। इस वक्त सुष्मिता सेन और ललित मोदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। कुछ वक्त पहले जब ललित मोदी ने एक पिक्चर शेयर की थी जहां उन्होंने सुष्मिता को टैग करते हुए लिखा था, माई लव फाइनली स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ विद माई पार्टनर इन क्राइम सुष्मिता सेन। उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम डीपी और अपने बायो पर भी सुष्मिता सेन को मेंशन कर दिया था, जिसके बाद फैंस वर ऑलमोस्ट श्योर कि ये रिलेशनशिप काफी तगड़ा हो चुका है और काफी पक्का हो चुका है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले सुष्मिता सेन नजर आई अपने एक्स बॉयफ्रेंड रहमान शॉल के साथ। जी हाँ, सुष्मिता को रहमान के साथ देखकर फैंस काफी सरप्राइज्ड हुए कि आखिर ब्रेकअप के इतने अरसे बाद भी सुष्मिता क्यों रहमान को अपनी फैमिली गैदरिंग्स में स्पेशलाइज करती है, अपनी फैमिली गैदरिंग्स में स्पेशल प्लेस देती है। वेल इसी के साथ साथ ललित मोदी ने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल से सुष्मिता सेन के मेंशन को हटा दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी उन्होंने चेंज कर दी है, जिसको देखते हुए फैंस का ये मानना है कि शायद अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। जी हाँ, अब इसकी सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त सुष्मिता और ललित दोनों ही एक दूसरे को फॉलो जरूर करते हैं। सच्चाई क्या है, ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है, ये तो आते आते ही पता चलेगा, लेकिन आपको इस पर क्या है कहना आप बताइए हमें अभी कमेंट सेक्शन में। बारिश रुक गया, बहुत अच्छा किया बाबू, बहुत काम है ऊपर, सब मजे में। नाइस हेयर कट, थैंक यू सो मच।